दोस्तों आज के वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि अगर आप भी अपनी फेसबुक प्रोफाइल से पैसे कमाने चाहते हैं और इसीलिए आप अपनी फेसबुक प्रोफाइल को पेज में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप अपनी फेसबुक प्रोफाइल को पेज में किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर आप इसके बारे में डिटेल से जानना चाहते हैं किस तरह से अपनी फेसबुक प्रोफाइल को हम पेज में कन्वर्ट कर सकते हैं, किस तरह से उसमें प्रोफेशनल डैशबोर्ड एनेबल कर सकते हैं और किस तरह से उसमें मोनेटाइजेशन का फीचर एनेबल करके उससे अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं तो आज के इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक पूरा जरूर देखिएगा। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जो वीडियो आप देख रहे हैं अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो सबसे पहले आपको इस वीडियो को लाइक कर देना है। वीडियो को लाइक करने के बाद आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, इसके बाद बेल आइकन को प्रेस करके यहाँ पे ऑल पे सिलेक्ट कर देना है। इससे क्या होगा दोस्तों कि इन फ्यूचर में आप लोगों के लिए जो भी वीडियो अपलोड करूंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाया करेगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ इंपोर्टेंट बात मैं आपको बता देता हूँ कि पहले क्या होता था दोस्तों कि अगर आपको फेसबुक से अर्निंग करनी होती थी तो आपको फेसबुक पे एक पेज क्रिएट करना होता था, लेकिन पेज क्रिएट करने के बाद उसमें फॉलोवर्स लाने में काफी टाइम लग जाता था। इसलिए पहले क्या करते थे कि फेसबुक का एक टूल आया करता था, उसकी हेल्प से आप अपनी फेसबुक प्रोफाइल को पेज में कन्वर्ट कर पाते थे, जिससे कि अगर आपके फेसबुक प्रोफाइल पे 5000 फ्रेंड होते थे तो वो आपके पेज पे जाके 5000 फॉलोवर्स में कन्वर्ट हो जाते थे और उस पेज पे जाने के बाद फिर आप उसको मोनेटाइज करा के अर्निंग कर सकते थे। लेकिन अभी फेसबुक का एक न्यू अपडेट आया है, इसमें अब आपको अपनी फेसबुक प्रोफाइल को पेज में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप उसमें प्रोफेशनल डैशबोर्ड को एनेबल कर सकते हैं और अपनी प्रोफाइल को पेज की तरह यूज कर सकते हैं और उसमें मोनेटाइजेशन को एनेबल करके और वहां से अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से आप अपनी फेसबुक प्रोफाइल को एज ए पेज कन्वर्ट कर सकते हैं और उसमें प्रोफेशनल डैशबोर्ड को एनेबल करके उससे अर्निंग कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको करना क्या दोस्तों कि सबसे पहले आपको अपनी फेसबुक की एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने अपनी फेसबुक आईडी को यहाँ पे ओपन कर लिया। अब फेसबुक आईडी को ओपन करने के बाद ऊपर की साइड आपको जो थ्री डॉट या फिर आपका जो प्रोफाइल पिक्चर मिलता है इस पर टैप करेंगे। इस पर टैप करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस यहाँ पे देखने को मिलता है। तो अब आपको करना क्या दोस्तों कि यहाँ से आपको सबसे पहले तो अपनी प्रोफाइल पे जाना है और प्रोफाइल पे जाने के बाद यहाँ पर आपको थ्री डॉट का ऑप्शन मिलता है, थ्री डॉट पे जाना है। थ्री डॉट पे जाने के बाद यहाँ पर आपको इस तरह से काफी सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं। तो इसमें आपको करना क्या दोस्तों, सबसे पहले तो आपको यहाँ पर आपकी जो फॉलो सेटिंग होती है सेकंड नंबर पर इस पे जाना होता है और इस पे जाने के बाद आपको यहाँ पे जितनी भी सेटिंग होती है इन सभी को आपको यहाँ से पब्लिक कर लेना है। अगर आप यहाँ से पब्लिक नहीं करेंगे तो आपका प्रोफेशनल डैशबोर्ड यहाँ पे एनेबल नहीं होगा, इसलिए इन सबको आपको यहाँ से सबसे पहले इस तरह से पब्लिक कर देना है। अब यहाँ से सारी चीजें पब्लिक करने के बाद आपको बैक लेना है। अब बैक लेने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिलता है लॉक प्रोफाइल का, जैसे कि आपको पता है कि हम अपनी फेसबुक प्रोफाइल को लॉक भी कर सकते हैं। तो अगर आपने अपनी फेसबुक प्रोफाइल को लॉक किया हुआ तो सबसे पहले आपको अपनी फेसबुक प्रोफाइल को यहाँ से अनलॉक कर लेना है। अनलॉक करने के बाद ये दोनों सेटअप हमारे हो गए, सबसे पहले आपको फॉलो सेटिंग पब्लिक करना है, उसके बाद आपको यहाँ पे प्रोफाइल को अनलॉक करना है। उसके बाद नीचे की साइड आप देखें यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा टर्न ऑन प्रोफेशनल मोड, तो यहाँ पर आपको इस पे टैप करना होगा। लेकिन इस पे टैप करने से पहले जो दो सेटिंग मैंने आपको बताई इसको आपको कंपलसरी कर लेना है। उसके बाद आपको टर्न ऑन प्रोफेशनल मोड का ऑप्शन मिलेगा, इस पे टैप करेंगे। इस पे टैप करने के बाद यहाँ पे आपको टर्न ऑन कर देना है। इसको टर्न ऑन करने के बाद यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन बताए जाते हैं, जैसे कि अपनी प्रोफाइल पिक्चर लगा लीजिए, अपना कवर फोटो एड कर लीजिए, अपना बायो वगैरह एड कर लीजिए। तो ये सारी डिटेल आपको यहाँ पे फिल कर देनी है। ये सारी डिटेल फिल करने के बाद आप चलिए मैं आपको बैक लेके दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब हमारा प्रोफेशनल डैशबोर्ड यहाँ पे एनेबल हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको सी डैशबोर्ड का ऑप्शन मिल रहा है, इस पे टैप करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे आपके फेसबुक पेज पे आपको पूरी चीजें देखने को मिलती है वो सारी चीजें आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फॉलोवर्स 99 बताए जा रहे हैं, जबकि मेरी प्रोफाइल थी इसमें 99 फ्रेंड थे। लेकिन जैसे आप इसको प्रोफेशनल अकाउंट में कन्वर्ट कर लेंगे और अपना प्रोफेशनल डैशबोर्ड को एनेबल कर लेंगे तो आपकी फेसबुक प्रोफाइल पे जितने भी फ्रेंड है वो ऑटोमेटिक आपके फॉलोवर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। यानी कि अगर आपके 5000 फ्रेंड है तो 5000 फॉलोवर्स आपको बिल्कुल फ्री में यहाँ पे मिलने वाले हैं। अब इसके बाद यहाँ से आप अपने रीच देख सकते हैं, एंगेजमेंट वगैरह, यानी कि पूरा एनालिस्टिक अपना यहाँ पे आप देख सकते हैं। पर आप देख सकते हैं पूरा डैशबोर्ड आपको देखने को मिल रहा है। अब इसमें थोड़ा नीचे की साइड आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फेसबुक पेज पे जैसे हमें मोनेटाइजेशन का फीचर मिलता है, अब आपकी प्रोफाइल पे भी आपको यहाँ पे मोनेटाइजेशन का फीचर मिल जाएगा, क्योंकि आपकी प्रोफाइल को जैसे ही आप यहाँ पे प्रोफेशनल अकाउंट में कन्वर्ट करते हैं तो आपकी प्रोफाइल एक पेज की तरह बन जाती है। तो आपको सिंपली यहाँ पे मोनेटाइजेशन पे जाना है और मोनेटाइजेशन पे जाने के बाद जिस मोनेटाइजेशन के लिए आप एलिजिबल होंगे वो सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं क्रिएटर पर, यानी कि यहाँ पे रील वाला मोनेटाइजेशन मेरा एनेबल है,
यानी कि मुझे यहाँ पे कुछ रील्स वगैरह अपलोड करनी है और उसके बाद इसका जब क्राइटेरिया कंप्लीट हो जाएगा तो मैं यहाँ से अर्निंग कर सकता हूँ। इसके अलावा यहाँ पे स्टार मोनेटाइजेशन बोनस वगैरह ये सारी चीजें अभी मेरी एनेबल नहीं है, यानी कि इसके लिए मैं एलिजिबल नहीं हूँ। तो इस तरह से आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि चलिए मैं आपको अपना एक मेन वाला अकाउंट ओपन करके दिखा देता हूँ। तो चलिए मैं मेन अकाउंट में स्विच करता हूँ। तो यहाँ पर आप मेरा प्रोफेशनल डैशबोर्ड देख सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे ऊपर आप देख सकते हैं कि मेरी इस वाली प्रोफाइल पर 5000 फ्रेंड थे। तो जैसे मैंने इसको पेज में कन्वर्ट किया, यानी कि प्रोफेशनल अकाउंट में कन्वर्ट किया, तो मेरे सभी फ्रेंड यहाँ पे फॉलोवर में कन्वर्ट हो गए और उसके बाद कुछ और लोगों ने मुझे फॉलो किया। तो यहाँ पे 5251 मेरे यहाँ पे टोटल फॉलोवर्स हो चुके हैं। अब यहाँ पे आप मेरी रीच वगैरह देख सकते हैं, एंगेजमेंट वगैरह सारी चीजें आप देख सकते हैं। अब नीचे चल के चलिए इसके मोनिटाइजेशन वाले ऑप्शन में मैं आपको लेके चलता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें मेरा स्टार मोनेटाइजेशन का फीचर एनेबल हो चुका है, यानी कि स्टार मोनेटाइजेशन के थ्रू मैं यहाँ से अर्निंग कर सकता हूँ। इस तरह से दोस्तों, अगर आप भी फेसबुक के माध्यम से अर्निंग करना चाहते हैं और इसलिए अपनी फेसबुक प्रोफाइल को पेज में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो इस तरह से आप अपने अकाउंट को यानी कि अपनी फेसबुक आईडी को प्रोफेशनल अकाउंट में कन्वर्ट करके अपना प्रोफेशनल डैशबोर्ड एनेबल कर सकते हैं और बिल्कुल पेज की तरह अपनी फेसबुक प्रोफाइल को भी आप यहाँ पे मोनेटाइज करा सकते हैं और उससे अर्निंग कर सकते हैं। तो दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको प्रोसेस ठीक से समझ में आ गई होगी। तो अगर आपको आज की जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले से वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में सिर्फ इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।